मेरे से पूछे कि यहाँ पे रहने का एक्सपीरियंस कैसा रहा इस यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मेरे को यहाँ पे बट एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। यहाँ पे कभी बहुत लोग शर्माते हैं काम करने में, कहीं खाना है तो नहीं जाते, लेकिन ये तो अपन हॉस्टल से सीखे। हाउसेज हैं और इनकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्या ये कंटिन्यूसली ट्रैवल करते हैं? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मैं इनके साथ आपके पहले दिन में। उम्मीद है ये यात्रा लंबी हो और मंगलमय हो। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट जो बाहर आता है और सेल्फ डिपेंडेंट बन के आता है, मतलब वो अपना रेंट वगैरह भी खुद कवर करता है और अपनी पढ़ाई पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, इन द सेंस कि वो पढ़ाई में भी डिस्टिंक्शन लेवल की पढ़ाई करना चाहता है, उसका एक दिन कैसा होता है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मैं अभी सो के उठा हूँ, तो मैं आपको लेके चलूँगा अपने सारे दिन आपको अपनी सारी दिनचर्या दिखाऊँगा कि वो थ्रू आउट द डे कैसी होती है। चलो अब हम नहावा के मिलते हैं नाश्ते पे। तो चेंज वेंज करके अब बज रहे हैं, अब टाइम हो रहा है 8 और चेंज वेंज करके अब मैं अपने थोड़ा ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गया हूँ। ब्रेकफास्ट में सुबह 8 बज रहे हैं और इतना कुछ होता भी नहीं है कि तुम बना लो, इतना टाइम भी नहीं होता क्योंकि मेरे को यूनिवर्सिटी के लिए निकलना है और मेरी इंटर्नशिप है और उसके साथ साथ मेरे को डेटा वेटा कलेक्ट करनी है उधर जाके। तो मैं एक ब्रेकफास्ट करूँगा और मेरा ब्रेकफास्ट बहुत अच्छी चीज़ है, मेरा एक बनाना शेक मिल्क आता है यहाँ पे फ्रेश वेज का, जो ये बहुत अच्छा दूध लगता है मेरे को। पहले मेरे को थोड़ा डाउट्स होता था कि यार यहाँ पे कैसा दूध वूध होता होगा, लेकिन मेरे को बहुत मज़ा आने लग गया अब इसे पीने में। और आपको पता ही है कि हम लोगों के दूध में, दूध और दही में थोड़ा डाइट अच्छी होती है। और फिर ये आता है प्रोटीन शेक, ये मेरे एक शुभचिंतक ने मेरे को दिया था जब मैं वापस आ रहा था। हर्बल न्यूट्रिशन का है ये फार्मूला 1 और ये है प्रोटीन पाउडर। इसका मैं लेता हूँ 2 स्कूप और इसका 1 स्कूप। ये मेरे को 2 डिब्बे दिए थे, 2 डिब्बे ख़त्म हो गए, ये भी आधा हो गया है। शुभचिंतक से कहना चाहूँगा कि मेरी चिंता रुकनी नहीं चाहिए, चलती रहनी चाहिए। तो अब मैं ये इसका एक शेक बनाऊँगा, शेक बना के पीऊँगा और फिर उसके बाद हम चलते हैं यूनिवर्सिटी। तो ब्रेकफास्ट वगैरह करके अब मैं निकल गया हूँ बाहर और आ गया हूँ अपने बस स्टैंड पे, जहाँ से मेरे को बस मिलती है। मैं बस से यहाँ से ट्रैवल करता हूँ, अराउंड 30 मिनट का ये रास्ता होता है और मैं आपको अपना बस स्टैंड वगैरह दिखाता हूँ। ये सामने एलिफ सुपर मार्केट है जो कम्प्लीटली इंडियन हर चीज़ देता है। यहाँ से खाने का आपको कुछ भी मन कर रहा है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, अचार से लेके हर चीज़, मैगी वैगी सब कुछ। और फिर उसके बाद ये सामने बस स्टैंड है। आप ये देखोगे कि इसके ऊपर नंबर लिखा है U और उधर देखोगे कि जो लाइम हाउस लिखा है उसके नीचे 3 रोज़ 5 रोज़ में नंबर्स लिखे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक बस स्टैंड है जिसका नाम है ये, और बसेस जो होती हैं वो नंबर के हिसाब से ऑपरेट करती हैं यहाँ पे बसेस हर रूट पे। जैसे मेरी बस है D7 और D277, तो ये बस मेरे को लेके जाएगी मेरी यूनिवर्सिटी तक। और इसे मतलब जो आपको सबसे ज़्यादा मदद करता है यहाँ पे, जिस ऐप के थ्रू आप ये पहचान कर सकते हो कि कौन सी बस मेरी बस आ गई है, मैं आपको बस में बैठ के ये चीज़ बताऊँगा। तो ये ऐसी बसें होती हैं यहाँ पे डबल डेकर और सेंट्रली कंट्रोल्ड बस होती है। अब मैं इसमें चढ़ूँगा फिर आपको बताऊँगा कि इसे आप यूज़ कैसे कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे चढ़ के आ गया हूँ बस में। इस तरह की बस होती है जैसे मैं आप पीछे देख सकते हो, ये मैं ऊपर वाले फ्लोर पर बैठता हूँ, ऊपर से थोड़ा व्यू अच्छा आता है। मैं तो जनरली यहाँ पे बैठता हूँ और उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आप बस यूज़ कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे एक ऐप होता है सिटी मैप, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा,
वो ऐप जो होता है उस ऐप के थ्रू आप यहाँ पर सारा ट्रांसपोर्ट ट्रैक कर सकते हो कि आप एक पर्टिकुलर प्लेस पे हो और वहाँ से आप किसी आपको किसी और प्लेस पे जाना है तो आप उसमें अपनी लोकेशन डालो, डेस्टिनेशन डालो, वो आपको नियरेस्ट बेस्ट रूट पॉसिबल विद द बेस्ट ट्रांसपोर्ट अवेलेबल. अगर ट्रेन से आपको जाना है तो वो आपको ट्रेन से ले जाएगा, बस से आपको जाना है तो आपको बस से ले जाएगा. और अब बस में या ट्रेन में जब टैप करते हैं तो उस टाइम आप अपना बैंक कार्ड भी यूज़ कर सकते हो, जो वायरलेस कार्ड्स होते हैं बैंक कार्ड, आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बहुत लोगों को ये पता नहीं होता और बहुत जो नए लोग आते हैं जैसे अभी सितंबर में आएंगे उन्हें ये चीज़ पता नहीं होती, तो आप वायरलेस कार्ड भी यूज़ कर सकते हो. मैं यूज़ करता हूँ ऑयस्टर फोटो कार्ड, ये मेरा स्टूडेंट कार्ड है जिसे मैंने रेल कार्ड से अटैच कर रखा है. रेल कार्ड मिलता है ट्रेन लाइन ऐप पे और जब आप इस चीज़ को अटैच करते हो तो आपको हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा ऑफ मिलता है. तो स्मार्ट बनो और अच्छे देश नागरिक बनो. तो अब बस से उतर के मैं पहुंच गया हूं अपनी यूनिवर्सिटी के पास. बस से 20 से 25 मिनट का रास्ता होता है, उससे उतरा हूं और मैं आया हूं यूनिवर्सिटी के पास. आपको पीछे दिखाता हूं, ये यहां पे सड़क है, पीछे मेरी यूनिवर्सिटी है. देखो इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, ये आपको बता देगी. और अब मैं रोड क्रॉस का आपको सिस्टम बताता हूं. ये जो अनुभव बस्सी बात कर रहा था ना अपनी वीडियो में कि ऐसे करके रोड क्रॉस करनी होती है, तो ऐसे करके एक चैनल्स बने होते हैं और ऊपर जैसे वो लाल कलर का बंदा छप रहा है, वो जब बंदा हरा हो जाएगा तब आप रोड क्रॉस कर सकते हो. अब उस बंदे को हरा कैसे करना है, उसे पता कैसे चले कि तुम यहाँ खड़े हो. तो ये रहा आपका बॉक्स जहाँ पे आप ये बटन दबाओगे तो ये वेट हो गया. अब उसे पता चल गया कि बंदा खड़ा है यहाँ पे और मेरे को ग्रीन होना है, तो वो ग्रीन हो जाएगा. और जब वो ग्रीन हो जाए तो खुला चलो, खुला, आपको कुछ नहीं देखना है, फिर आपको खुला चलना है. कोई आएगा जो ठोकेगा उसकी गलती है, फिर आप लो उससे क्लेम कि मैं कहा भाई दे तू मेरी यूनिवर्सिटी की पूरी फीस. ये रहता है सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर बहुत स्ट्रांग है और लॉ एंड ऑर्डर ही आपको लिबरेट करता है. तो अब मैं आपको इसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी का टूर कराता हूँ, टूर किया थोड़ा बहुत दिखाता हूँ और फिर उसके बाद मैं जाता हूँ लैब में जहाँ पे अपना सारा दिन रहेगा आज का, इंटर्नशिप है और थोड़ी डेटा वेटा कलेक्ट करनी है. सी यू. तो भाई मैं यहाँ पे अंदर आया था और अंदर आके मेरे को किस्मत से यहाँ पे थोड़ा ब्रेकफास्ट सा मिल गया. ये लोग लगाते तो शायद किसी और के लिए हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है, अपन भी खाएंगे, अपन ने फीस दिया. तो ये क्रोसो भाई, यहाँ पे टीचर्स की वो जो कॉन्फ्रेंस चल रही थी, टीचर्स की कॉन्फ्रेंस चल रही थी और ये क्रोसो थे उनके लिए. और मेरे को वहाँ पे एक लेडी मिली, मतलब लेडी की लड़की थी, वो मेरे से कहती अरे इन टीचर्स कॉन्फ्रेंस, नो आई एम नॉट इन टीचर्स कॉन्फ्रेंस. फिर मेरे को उसको देख के हंसती कहती बोले ओके गो बट डोंट शो इट टू एनीवन. तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत लोग शर्माते हैं ये काम करने में, कहीं खाना है तो नहीं जाते, लेकिन ये तो अपन ने आदत हॉस्टल से सीखी है, खाना कैसे लेना होता है, हर जगह काम आती है जुगाड़बाजी, हर जगह काम आती है. तो दैट्स पीछे इज माय केस फॉर द डे. जो मेरे पीछे यू सेट, जो आप सेटअप देख रहे हैं वो मेरा एक लैपटॉप है जहाँ पे मेरी इंटर्नशिप चल रही है और इंटर्नशिप आज ही स्टार्ट हुई है. तो वो मैं इस वीकेंड तक है एक यूके एक्सपीरियंस लेने के पर्पस से. दूसरा दिस इज द सिस्टम जो ब्लूमबर्ग का है, यहाँ पे ये सिस्टम पूरा स्टॉक मार्केट्स और इकोनॉमी और मार्केट से रिलेटेड है. तो यहाँ से मैं अपनी डेटा वगैरह कलेक्ट करूँगा अपनी डिसर्टेशन के लिए. तो आने वाले 10-15 दिन लगभग मेरे इसी रूम में जाएंगे एंड द फैक्ट इज़ कि इस टाइम इस रूम में कोई भी नहीं है. और क्योंकि अब सबकी डिसर्टेशन चल रही है और शायद नया बैच भी अभी तक नहीं आया है, तो मेरे को नहीं लगता कि अभी यूनिवर्सिटी ज़्यादा वाइब्रेंट है. कुछ कुछ अंडर ग्रेजुएट्स के बच्चों का कोर्स चल रहा है, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट्स के कुछ क्लासेस व्लासेस लग रही होंगी, बट समर्स भी है तो शायद इस टाइम ये सारा खाली है. तो अगर आप रूम भी देखो तो रूम भी सारा ही.
एक सबसे अच्छी बात इन यूनिवर्सिटीज़ की ये होती है कि इनका एक्सेस तुम्हारे पास 24/7 हर दिन होता है। तुम अपना आओ, अपना रूम बुक करो, अपनी प्लेस बुक करो, अपना वहाँ पे जाके उनका सिस्टम यूज़ करो, बिकॉज सब कुछ तुम्हारे सिस्टम, तुम्हारी ईमेल आईडी, तुम्हारा यूज़र नेम से लिंक्ड होता है। तो तुम कहीं भी कोई भी लैपटॉप पूरी यूनिवर्सिटी में कहीं भी कोई भी सिस्टम ऑपरेट कर सकते हो आप अपनी आईडी के अकॉर्डिंग थ्रू, और आपको हर जगह का एक्सेस है, चाहे वो सैटरडे हो या संडे हो, रात के 12 हो या 1 बज रहे हो। वो बहुत एक अच्छी चीज़ लगती है और प्रोडक्टिव चीज़ लगती है। तो मैं अभी वहाँ बैठा था, अपना काम कर रहा था, दो बज गए, भूख इतनी गंदी लगने लग गई कि मेरे को फिर लंच के लिए नीचे उतरना पड़ गया। तो मैंने अभी थोड़ा ब्रेक लिया और सोचा कुछ लंच करूँगा अभी। यहाँ पे लंच के अलग अलग ऑप्शंस होते हैं अलग अलग कैफ़ेज़ में, तो मैं सैंडविचेस, बर्गर्स, रैप्स वगैरह के लिए भी अलग कैफ़ेज़ हैं, और एक जगह प्रॉपर तुम्हें लंच भी मिलता है और वो रीज़नेबल प्राइस में मिलता है। लेकिन उससे पहले मैं एक एक्साइटिंग चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें, दिखाते हैं। ये सामने है ग्रेवयार्ड और ये है यूनिवर्सिटी के बिल्कुल बीच में। इस साइड लाइब्रेरी है और उस साइड भी, ये बिल्कुल बीच में है और कई सालों से है, पता नहीं है अभी इसका क्या होता है, इस पर कुछ होता हुआ तो मैंने देखा नहीं है। हाँ, एक दो बार मैंने एक आध आदमी ज़रूर देखा था अंदर पिछले एक साल में। चलो, अब भूख लग रही है और चलते हैं लंच। मैं आपको लेकर आया हूँ यहाँ पे। क्या होता है, यहाँ पे लंच मिलता है और लंच बहुत बेसिक, मतलब ऑप्शंस होते हैं वेज में, नॉन वेज में। आपको टोमेटो एंड वेजिटेबल सूप रखा है जो 2 पाउंड का मिल रहा है, एंड देन यहाँ पे आपको रेडीमेड फूड मिल जाएगा सारा, जिसमें सैंडविचेस वगैरह आ जाते हैं, ड्रिंक्स वगैरह। और फिर यहाँ पे है आपका फूड जो 6 पाउंड पर प्लेट पे मिलता है। अभी हम देखेंगे कि हमें खाना क्या है। जिंजर एंड चिली चिकन। तो ये अपना लंच लिया है मैंने, लंच में आपको दिखा। ये चिकन है विद सम सैलड्स, राइस। ये मेरे पीछे का एनवायरनमेंट है, यहाँ पे छोटे बच्चे आए हुए हैं अपनी थोड़ी उस चीज़, इनके शायद यूनिवर्सिटी टूर होगा इस वजह से यहाँ रखे। खाना यहाँ पे स्पेशली जो मिलता है वो बहुत हेल्दी खाना मिलता है। अगर ये चिकन भी है तो इसमें कोई ज़्यादा मसाला वसाला नहीं है, एंड स्पेशली अगर मिलता भी है तो जनरली ये फ़िश, सैलमन वैलमन, ये सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पर मिलती हैं। उसके साथ एक अलग तरीके के राइस मिलते हैं जो हाईली न्यूट्रिशियस और वो हैवी भी कम होते हैं। तो मतलब ऐसा होता है कि तुम जाओ तो ईजिली डाइजेस्टेबल होते हैं और तुम आराम से अपना काम कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि तुम्हें नींद वींद आ रही है। खाना भी टेस्टी होता है। तो अगर कोई मेरे से पूछे कि यहाँ पे रहने का एक्सपीरियंस कैसा रहा इस यूनिवर्सिटी में, और 1-2 महीने में मेरी यूनिवर्सिटी ख़त्म हो जाएगी, तो मैं ये कहूँगा कि हाँ कि मैं रिस्क लिया था क्योंकि यहाँ पे जॉब की आसानी से मिलती नहीं है, एक्सपेंसिव था, बट एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। क्योंकि तुम जब अच्छी यूनिवर्सिटी में होते हो तो तुम एक ऐसे बच्चों के साथ पढ़ रहे होते हो, या फिर ऐसे तुम्हारे साथ जो कलीग्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जो सच में वो कहीं ना कहीं रिसर्च कर रहे हैं, किसी टॉपिक्स पर रिसर्च कर रहे हैं, किसी कंट्री पर रिसर्च कर रहे हैं, किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं, कहीं काम कर रहे हैं, अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। तो एक बहुत दिमाग खोलने वाला एक्सपीरियंस होता है उन लोग अलग कल्चर्स देखना, प्लस उन लोगों का प्रोफेशनलिज्म देखना, एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में कैसे काम करा जा सकता है वो देखना, और फिर उनके साथ तुम भी खुद को ऐसा महसूस करते हो कि मतलब जब टीम वर्क्स होते हैं, ग्रुप वर्क्स होते हैं, सो यू फील नाइस वर्किंग विद देम। सिमिलर टू द प्रोफेसर्स, जो यहाँ पे प्रोफेसर्स होते हैं, दे आर वेरी गुड और दे आर वेरी रेनाउंस्ड, सो दैट इज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस टू वर्क। अब भाई लंच के बाद मैं आ गया हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सी जगह पे, जो यहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी में है और ये बहुत
कूल सा एरिया है, बहुत चिल सा एरिया है। जब अभी तो थोड़ी धूप धूप सी नहीं निकल रही है, कभी धूप निकल रही है कभी जा रही है, लेकिन जब यहाँ पे धूप निकलती है तो बहुत खूबसूरत हो जाता है। इधर कनाल, ये पीछे का सीन है जो यूनिवर्सिटी का सीन है। और इन कनाल्स का भी बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मतलब ये जो कनाल्स के ये जो सामने खड़ी हैं बोट्स, ये बोट हाउसेज हैं और इनकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्या ये कंटिन्यूसली ट्रैवल करते हैं, इसके अंदर इन सबका अपना खाना वाना हर चीज़ रहती है, अपना रहने वहने का सारा जुगाड़, साइकिल से लेकर टीवी से लेकर कुर्सी से लेकर हर चीज़ इनके अंदर रहती है और इनका कंप्लीट लाइवलीहुड यही होता है। ये देखो वो सामने साइकिल वाइकिल हर चीज़ खड़ी है, इधर ये स्पीकर स्पीकर रख के भी अपना सब कुछ करते हैं। जो भी इनका इनके साथ बोट्स अटैच्ड होती हैं, जब भी इधर उधर ट्रैवल कर रहे होते हैं तो ये बोट से फिर अगर इन्हें कुछ सामान वामान लाना होता है तो इन बोट्स के ज़रिए सामान लेके आते हैं। तो ऐसा करके ये सीन रहता है। और यहाँ पे एक कल्चर भी, एक बहुत अलग कल्चर है कि यहाँ के बच्चे बहुत आउटगोइंग होते हैं और बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं। अपने यहाँ क्या होता है, अपने यहाँ ज़्यादातर बच्चे बहुत मतलब एक बहुत वैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ उन्हें बहुत प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, लेकिन यहाँ बच्चे बहुत आउटगोइंग होते हैं, खुद पहले कमाना चालू कर देते हैं, अलग अलग जगह रहते हैं। जैसे ये रहे होंगे कि जो ये नॉर्मल एज के 20 से 22 या बूढ़े उढ़े तो रहते नहीं हैं इनमें, 20 से 30 एज के लोग ही जनरली ऐसी जगह रहते हैं। बहुत अलग सा कल्चर है। सो नाउ आफ्टर हैविंग वर्क लाइक हैविंग लंच बैक टू द वर्क, लेट्स डू इट। तो मैं अपने घर पहुंचा लगभग 30 मिनट पहले, 30 से 40 मिनट पहले मैं घर पहुंचा। अभी बज रहे हैं 5:50, मैं पहुंचा था 5:20 के आसपास। और 5:20 के आसपास आने के बाद मैंने 20 मिनट रेस्ट किया है और रेस्ट करके अब चेंज वेंज करके मैं आ गया हूँ वर्कआउट करने के लिए। जनरली मैं हफ्ते में 3-4 दिन वर्कआउट करता हूँ और वो भी नॉर्मल, वेरी नॉर्मल बेसिक अपने एक्सरसाइजेस, खुद के वेट की, नो एडिशनल वेट्स वाए, बिकॉज क्योंकि उस तरह की डाइट हो नहीं पाती है ना, उस तरह का टाइम हो पाता है कि मैं इतना फोकस कर पाऊँ अपने वर्क एक्सरसाइज पे। लेकिन एक्सरसाइज क्योंकि हम बचपन से एक तरह खेलते हुए आए हैं, शाम का टाइम मतलब खेलने का टाइम होता है, तो एक मैं अगर थोड़ा पसीना निकालूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता है, दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है मेरे। तो अब हम करते हैं लगभग 20 से 25 मिनट का एक्सरसाइज, डाइट नॉर्मल रखते हैं। मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ कि मेरी एक्सरसाइज करने की जगह क्या है। ये मेरा गार्डन है, यहाँ पे मैं वर्कआउट करता हूँ, वो हल्के बहुत डंबल पड़े हैं। ये मेरा एरिया है जिधर मैं वर्कआउट करूँगा, आपको मैं दिखाता हूँ। और ये मेरे घर का पीछे का एरिया है, बहुत खूबसूरत, कैनरी वॉर्फ। अब मैं आपको वर्कआउट दिखाता हूँ थोड़ा सा, सी। तो कुछ ऐसा रहा मेरा वर्कआउट, शॉर्ट एंड क्रिस्प रखता हूँ बस 30 मिनट का, जिसके अंदर थोड़ा सूर्य नमस्कार ताकि बॉडी थोड़ी फ्लेक्स हो सके, फिर उसके बाद थोड़ा सा फुटबॉल के साथ जगलिंग ताकि थोड़ा पसीना मतलब खून ऊपर नीचे हो सके, और उसके बाद 3-3 सेट पुशअप्स के, सिटअप्स के और क्रंचेस के। और जनरली 30 मिनट का ही होता है, कभी कभी 1-1.5 घंटे का हो जाता है जब टाइम बहुत ज़्यादा होता है, 1-1.5 घंटा तो कभी नहीं होता, 1 घंटा। इससे पहले मैंने रनिंग स्टार्ट करी थी, जो मैं लंदन की अलग अलग जगहों पर मार्केट्स में जाता था रन करके, अब वो मैं बस नॉर्मल घर पर वर्कआउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये अभी थोड़े डेडलिफ्ट्स भी इंक्लूड कर लेता हूँ अपने वर्कआउट में, लेकिन उसके लिए फिर ऐसा होता है कि वो अभी जो बोल्ट्स हैं वो अभी किसी ने बोरो कर रखे हैं, इस वजह से मेरे पास डंबल्स के बोल्ट्स नहीं है, वरना सब सही है। अब मैं तैयार व्यार होता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि पार्ट टाइम जॉब कैसे होती है। तो अब मैं नहा वाली हूँ, एक्सरसाइज वगैरह हो गई है, एंड वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द डे। एंड ऑफ द डे नहीं है, अब मेरी पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट होती है। मैं यहाँ पे कैनरी वॉर्फ में एक रेस्टोरेंट में एक वाइन वेटर का काम करता हूँ। वाइन वेटर मेरा काम होता है कि मैं लोगों को वाइन सर्व करता हूँ, जिसमें मैं लोगों को वाइन्स के बारे में बताता हूँ कि वो कहाँ से आई है, कहाँ से बनी है, क्या ग्रेप से बनी है, कितना अल्कोहल कंटेंट है, और वो उनके खाने में उनकी कैसे मदद करती है। तो ये मेरा काम हो गया। अब कैनरी वॉर्फ, जिसका मैंने शायद सुबह से एक दो बार जिक्र भी कर दिया, मैं यहाँ रहता हूँ, लकीली मैं यहाँ पर रहता हूँ। मेरी एक बहुत किस्मत की बात है कि मैं यहाँ पर रह पा रहा हूँ ये दुनिया का फाइनेंशियल हब है, या तो नंबर पे या सेकंड नंबर पे, ये दुनिया का फाइनेंशियल हब है, या दुनिया का आपको सबसे बड़े से बड़ा बैंक मिल जाएगा यहाँ पे, बड़े से बड़ा बैंक, बड़े से बड़ी फाइनेंशियल कंपनी।
कैनरी वॉर्फ को, मेरे को कैनरी वॉर्फ को जब मैं देखता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो लोग ये कहते हैं कि बोले इंडिया का पोटेंशियल ऐसा है कि इंडिया वर्ल्ड सुपर पावर बन सकता है, यहाँ आके मेरे को वो रियलाइज़ हो जाता है कि बोले हाँ बिल्कुल बन सकता है और पोटेंशियल है अगर लोगों को एजुकेशन मिले और लोगों उन्हें ऐसा नेता मिले या ऐसे लीडर्स उनके आए जो प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस रखें, तो बिल्कुल इंडिया एक सुपर पावर बन सकता तो है। चलता है। और ये कैनरी वॉर्फ एक ऐसी जगह है जहाँ पे थेम्स को डॉक्स में काट दिया गया है, उसके डॉक्स काट दिए गए हैं जहाँ पे क्रूज और यॉट्स वगैरह खड़ी होती हैं। उसके चारों तरफ नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रेस्टोरेंट्स हैं, पब्स हैं और होटल्स हैं, और उनके रेस्टोरेंट्स के ऊपर बड़े बड़े बैंक्स और बड़ी बड़ी फाइनेंशियल कंपनीज हैं। एक बहुत खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बन के बना के इन्होंने सेट कर रखा है। मैं आपको अपनी वीडियो में दिखाऊंगा कि वो कैसी खूबसूरत जगह है। ऊपर सारे बैंक्स वाले हैं, मुद्दा साफ है, सुबह 9 बजे आओ, 5 बजे तक काम करो, 5 बजे के बाद नीचे उतरो, ना दाएं देखने की ज़रूरत ना बाएं देखने की ज़रूरत। दूसरा थॉट तुम्हारे दिमाग में आ नहीं सकता, अगर एक बार तुम्हारे दिमाग में थॉट आ गया तुम्हें दारू मिलेगी, नीचे तुम दारू पियो पार्टी करो, सामने तुम्हें ट्यूब मिलेगी, ट्यूब से अपने घर जाओ। देश भी चल रहा है क्योंकि बैंक्स चल रहे हैं, दारू भी चल रही है, पब्स भी चल रहे हैं, रेस्टोरेंट्स भी चल रहे हैं, और वहीं यॉट्स और क्रूज़ भी हैं, तो सैटरडे संडे को वहाँ पार्टीज़ भी चलती हैं। तो एक इतना बेहतरीन इस्तेमाल यहाँ इस एरिया में, अगर तुम्हें पेड़ भी दिखेगा तो पेड़ भी ऐसा दिखेगा कि तुम वहाँ जाओ और फ़ोटो खिंचवा सको। तो ऐसा एक एक तिनके का सहारा लेके इन्होंने यहाँ पे पैसा बना रखा है। और इंडिया में तो हर शहर में, हर बड़े शहर में नदी निकलती है, तो अगर उस चीज़ का यूज़ करा जाए और उस चीज़ को मॉडिफाई करा जाए और लोगों को एजुकेट करा जाए और सरकार प्रोग्रेसिव आए, तो 50% काम तो हो गया। तो अब इसके बाद मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ कैनरी वॉर्फ की, फिर रेस्टोरेंट की, और फिर आपको कहते हैं अलविदा। ये मेरी पहली वीडियो थी, हो सकता है आपको पसंद आई हो, ना भी आई हो, आई भी हो, अगर आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। So there we go, that's our fifth wine. It's Alercano. It's an Italian dessert wine. The grape is Primitivo. It's got the flavors of cherries and plums to it. Now these flavors make it sweet and it perfectly goes well with wine, brew, sorbet in your dessert. That's our wine. Enjoy the wine, yeah? Thank you. These one of the fiends, the queen's legacy. Friend from my friend, go away. Money making is the moment time of the day. Time's ticking, but these dudes gonna rise up. Shoo back, shoo back, shoo back. Hey. Shoo back, shoo back, shoo back.